मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने ब्लॉकों के कार्यशैली की जानकारी हासिल करने के लिए सोमवार और मंगलवार को जनपद के 6 ब्लॉकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने मनरेगा में किए जा रहे कार्यों, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूह के कार्यों सहित ब्लॉक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान अनियमितता बरतने वाले 5 कर्मचारियों के विरुद्ध CDO ने विभागीय कार्यवाही भी की है, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बांसगांव कौड़ी राम सहित 6 ब्लॉकों का निरीक्षण किया गया है। ब्लॉकों पर साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि बांसगांव और कौड़ी राम में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और अनियमितता बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, 8 ब्लॉकों का निरीक्षण मैंने किया है, 8 में से 8 का करना है, 6 कर चुका हूँ, कल 4 किए थे, 2 किए थे। ये निरीक्षण जो है मुख्यतः जो है ब्लॉकों में अवस्थापना को लेके है, नरेगा को लेके है, NRLM को लेके है और कर्मचारियों में जो आपस में टीम बना के काम करना है उसको लेके है, और जो यहाँ से दिशा निर्देश दिए गए हैं या सरकार की जो योजनाएँ हैं उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को लेके हैं। तो इसमें जो अलग अलग ब्लॉकों में जो समस्याएँ आई हैं वो उसको हल किया गया है, और 4 कर्मचारियों पे कल कार्रवाई हुई थी जो एब्सेंट थे या अपने कार्य जो उनके टारगेट दिए गए थे उसको पूरा नहीं कर रहे थे। 1 पे आज कार्रवाई की है बांसगांव पे मेरे द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो आवास थे आवास को पूर्ण नहीं कराया है और उसमें उनकी स्थितलता पाई गई, ये कार्रवाई आज की है और ये अभी निरीक्षण जारी रहेगा, 15 दिन बाद दोबारा रिपीट किया जाएगा। और उसमें जो ब्लॉकों को कंटीजेंसी से जो मनरेगा लैब बनानी है उसके लिए निर्देशित किया गया है, अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, वॉर रूम बनाने के लिए कहा गया है और हर स्कीम की मॉनिटरिंग और डिटेल में करने के लिए BDO को निर्देशित किया गया। सर, आजीविका मिशन और मनरेगा को लेकर क्या निरीक्षण क्या मिला? हाँ, जो आजीविका मिशन और मनरेगा में जो मुझे आज बांसगांव में मेरा जो निरीक्षण था उसमें पाया गया है कि 2 गाँव में आज 0 लेबर लगी थी, उसके रोजगार सेवक और सचिव को आज शोकॉश किया गया है कि आपके द्वारा ये क्यों लेबर को 0 किया गया है। और उसके अलावा जो कौड़ी धाम में मनरेगा को लेके मेरे द्वारा पोषण वाटिका को लेके सचिव द्वारा अभी तक सारे सचिव द्वारा अभी तक एस्टिमेट्स के लिए या जमीन चिन्हित करके नहीं दी गई थी, तो TA और सचिव और रोजगार सेवक को पोषण वाटिका को अगले 4 दिन में चालू करने के लिए बोला गया, उस पर कार्य करने के लिए, तो ये कौड़ी धाम में मनरेगा में कहा गया। इसके अलावा जो डिले पेमेंट की जा रही है उसके लिए भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए, डिले पेमेंट कौड़ी धाम में ज़्यादा पाई गई है और उसको मैंने एनालाइज करके कंसर्न सचिव, कंसर्न जो मेरे रोजगार सेवक है और TA है उसको शोकस किया।